किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग तो आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फर्क इससे पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, MyFM से मैं हूं आरजे कार्तिक। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ दो बच्चों की। एक 8 साल का लड़का था, एक 10 साल का लड़का था। गांव में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। एक दिन खेलते खेलते वो गांव के बाहर चले गए, दूर सुनसान इलाके में। वो बॉल के साथ खेल रहे थे और उनकी गेंद जो थी वो एक कुएं में जाकर के गिर गई। एक पुराना सा कुआ था, सूख चुका था। बच्चे गेंद निकालने की कोशिश कर रहे थे। जो 10 साल का लड़का था वो इस कोशिश में था कि मैं निकाल दूंगा गेंद बाहर, और इसी कोशिश में जल्दबाजी में वो कुएं में गिर गया। जो 8 साल का बच्चा था उसके हाथ पैर फूलियों से लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। घर वाले बहुत डांटेंगे, बहुत मारेंगे कि तुम्हारे चक्कर में बच्चे की जान चली गई। तो छोटे बच्चे को समझ नहीं आ रहा था, रोने लग गया, लेकिन कोई इसकी आवाज नहीं सुन रहा था क्योंकि सुनसान इलाका था, आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वो बच्चा ढूंढने लगा कुछ मिल जाए, किसी सहारे से उस बच्चे को बाहर निकाल ले जो 10 साल का लड़का अंदर गिर गया। थोड़ा आसपास खोजा तो उसे एक बाल्टी और रस्सी दिखाई दी। 8 साल का लड़का वो रस्सी बाल्टी लेकर के आया, कुएं में गिरा दी, और 10 साल के लड़के से कहा कि आ जाओ भैया बाहर, आ जाओ मैं आपको खींचता हूं। 10 साल के लड़के को विश्वास नहीं हो रहा था कि 8 साल का लड़का, मुझसे 2 साल छोटा है, ये मुझे बाहर कैसे निकालेगा। लेकिन उसने कहा ठीक है चलो कोशिश करो, मरता क्या ना करता। 8 साल के लड़के ने रस्सी खींचना शुरू किया और कमाल यह रहा कि उसने 10 साल के लड़के को बाहर खींच के निकाल दिया। दोनों बच्चे डरते डरते दौड़ते भागते वापस घर पर पहुंचे। रात हो चुकी थी, गांव में चौपाल लग चुकी थी। उनके मम्मी पापा रो रो के बेहाल हो चुके थे कि हमारे बच्चे कहां गए। दोनों बच्चों को आता देखा तो गांव में सब लोग खुश हो गए और उनसे पूछने लगे कि कहां गए थे। अब दोनों बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें। सच बोलेंगे तो मार पड़ेगी, झूठ बोलेंगे तो क्या बहाना बनाएंगे, समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उनके होश उड़ चुके थे। वो इतना परेशान हो चुके थे, इतने बड़े संकट का सामना करके आए थे। तो बच्चों ने सच बोल दिया। बच्चों ने कहा कि, बड़े वाले ने कहा कि मैं गिर गया था कुएं में, छोटे वाले बच्चे ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरे दोस्त ने। तो गांव वाले ने पूछा कैसे निकाल दिया, कह रहे रस्सी बाल्टी मिली थी उसके सहारे निकाल दिया। गांव वाले हंसने लग गए कि इस बच्चे ने जो एक बाल्टी पानी बाहर नहीं निकाल सकता, इसने तुम्हें बाहर निकाल दिया। उनका मजाक उड़ाने लगे। तभी गांव के जो सरपंच थे, जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, कह रहे रुको, बच्चे सही कह रहे हैं, बच्चे एकदम सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो कारण है। पहली बात, इनके पास कोई और चारा नहीं था। 8 साल के बच्चे को मालूम था कि मुझे इसको निकालना ही निकालना है। और दूसरी बात, इस 8 साल के बच्चे को वहां कोई कहने वाला नहीं था कि तुझसे नहीं होगा। सिर्फ ये दो कारण रहे हैं कि इस 8 साल के लड़के ने 10 साल के लड़के को बाहर निकाल दिया, रस्सी से खींच के बाहर निकाल दिया। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। जब आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपके पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ जीत के दिखाना है। और दूसरी बात, जब भी लोग आपके आसपास कहने लगे कि तुम नहीं कर सकते तो बहरे बन जाइए, उनकी आवाज मत सुनिए, आप करके दिखाएंगे। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें MyFM का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो MyFM सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।